हाय गाइस, वेलकम टू करी विद कमल। तो आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल और बहुत ही स्वादिष्ट तुरई प्याज की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगी और जितने कम इंग्रेडिएंट्स हैं उतनी ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 750 ग्राम तुरई ले ली है। 3 बड़े प्याज को इस तरह से मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है। 4 बड़े चम्मच ऑयल, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए सबसे पहले हम तुरई छिलके साफ कर लेते हैं। इसके लिए हम इसके दोनों सिरे इस तरह से काट लेंगे, बाद में हम इसके छिलके उतारेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक आध तुरई कड़वी आ जाती है, तो अगर ऐसी कड़वी तुरई सब्जी में चली गई तो सब्जी का टेस्ट खराब कर देगी। तो जब भी आप तुरई की सब्जी बनाएं तो ऑलवेज इसको चख के ही काटें। तो हम इस तरह से इसके छिलके उतार लेंगे पहले, फिर इसका थोड़ा सा पीस निकाल के इसको चख लेंगे। ये हमारी तुरई कड़वी नहीं है तो हम इसके छिलके उतार लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी तुरई को पहले चख लेंगे, फिर इसके छिलके उतार लेंगे और कड़वी होगी तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमने सारी तुरई छील ली है, अब हम इसको कट करेंगे। आपको जैसे पसंद हो इसको आप राउंड भी काट सकते हैं, या तो इस तरह से बीच में से कट लगा के मीडियम साइज के टुकड़ों में इसको काट लीजिए। ये हमने सारी तुरई काट ली है, अब हम इसी में प्याज डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 ग्लास जितना पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से वॉश करके साइड पे रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 4 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल के गरम होते ही हम इसमें वॉश किए हुए तुरई और प्याज एक साथ ही ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बाद में इसको मीडियम फ्लेम पे ओपन लिड में एज इट इज पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे। ये 5 मिनट के बाद देखिए हमारे तुरई और प्याज कितने रिड्यूस हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसके हिसाब से इसमें मसाला करेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। देखिए ये 1 मिनट के बाद हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें 1 कप जितना ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि तुरई भी अपना पानी छोड़ती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में कुकर का लीड लगा के मीडियम फ्लेम पे इसमें 3 विसल बजा लेंगे। तीन विसल बजा लेने के बाद हमने कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया था। तो चलिए अब हम खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारी सब्जी रेडी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, रंग भी बहुत अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें चुटकी सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, तीखा फिर भी आपको जैसे पसंद हो उस हिसाब से आप गरम मसाला ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए रेडी है हमारी गर्मा गर्म तुरई प्याज की स्वादिष्ट सब्जी। थोड़े से हरे धनिए से इसे गार्निश करें और गर्मा गर्म रोटी या चावल के साथ सर्व करें। यकीन मानिए ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आपके किचन का एक रेगुलर हिस्सा बन जाएगी। तो इसी तरह की आसान सी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।